साक्षी, साक्षी शर्मा, और मैं एक ऑथर हूँ। मैंने एक बुक लिखी है, नॉवेल लिखी है, उसका नाम है लेट्स लिव अ वियर्ड लाइफ। तो थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से मेरी जो मैंने बुक लिखी थी उसकी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और मैं केवल मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगी, क्योंकि ज्ञान देने लायक अभी मैं हुई नहीं हूँ। तो शुरू करें। ठीक है, जब मैंने मेरी बुक लिखी तो बुक लिखने से पहले मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि मुझे बुक लिखनी है। मैं डिप्रेशन में थी, यस, और मतलब ऐसे था कि मैं सोती रहती थी, मुझे उठना नहीं होता था, मुझे इस दुनिया को फेस नहीं करना होता था। तो उस वजह से मैं एक कमरे में बंद रही, और तो मैंने सोचा, मैंने खुद ने ऐसे सोचा कि मैं क्यों ना कुछ टाइम पास कर लूँ। मेरे दिमाग ने मुझे बोला कि ये सब करने से कुछ होगा नहीं, खुद का मन लगाओ, इधर उधर इधर। तो मैं लिखने लगी, और जब मैं जयपुर में थी तब मैं मतलब कच्ची बस्ती और यहाँ पे जाया करती थी, मेरी म्यूज़िक क्लास होती थी। तो एक मिनट में कमेंट करूँ, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो कुलदीप भैया। तो जब मैं जयपुर में थी उस वक्त मेरी म्यूज़िक क्लास जाती थी, तो म्यूज़िक क्लास से पहले कच्ची बस्ती आती थी, तो कच्ची बस्ती के वहाँ पे मैं बच्चों से यूँ ही मिल लेती थी। तो मैं लिखती रहती थी, एक्चुअली मैं हर चीज़ के बारे में जो भी मैं देखती थी अपने आसपास मैं लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। ओके अंकित। तो ऐसे ही मैं लिख रही थी, मैं गरीब बच्चों पर लिख रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मुझे, जिनको हम किन्नर कहते हैं, जिनको हम हिजड़ा कहते हैं, वो मुझे रास्ते में यूं ही दिखे कि वो सब लोगों के घर पे जाया, थैंक यू, वो सब लोगों के घर पे जाया करते थे, और शादियां होती थी या किसी के घर में बच्चा होता था तो वो लोग डांस करके या कुछ भी गा करके वो लोग पैसा कमा रहे थे। तो ऐसे ही मैंने उनको देखा, बस ऐसे नजर गई और मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद वही मैं सोचती थी, तो लिख लिया, नॉर्मली लिख लिया उनके बारे में कि ये भी एक वर्ग है समाज का, ऐसे करके। तो वो मैंने छोड़ दिया था। फिर जब मैं घर पे आई थी, टॉक आई थी, और जैसे मैंने बताया मैं डिप्रेशन में थी, हाँ मैं डिप्रेशन में थी उस वक्त। वो जो मैंने आधा लिखा हुआ था उसको नॉर्मली मैं लिखती रही, ऐसा होता है। अब जबकि वो मैं खुद सहन कर पा रही थी ना, सॉरी मैं खुद सहन कर रही थी ना कि हाँ ऐसे होता है, परेशान होते हैं, तब दर्द अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है। तो हमारे, अच्छा मैं डिप्रेशन की भी बात करूँगी इस बीच में, कि हमारे देश की 34% जो जनता है वो हर साल डिप्रेशन के उसमें सुसाइड करके, थैंक यू रामेश्वर जी, सुसाइड कर लेती हैं, और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ये किन्नर है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास, वो लोग भी कहीं ना कहीं डिप्रेस तो होते ही होंगे, किसी ना किसी चीज़ से होते ही होंगे। सोसाइटी में ना उनको अपनाया जाता है, किसी ने उन्हें देख लिया तो वो दिन ख़राब हो गया, क्यों देख लिया, ना उनको कहीं पे बुलाया जाता है, इन सब चीज़ें वो भी हाँ कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ढल गए इसी चीज़ में, पर कुछ लोग नहीं ढल पाते हैं, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, नहीं वो ये नॉर्मल इंसान कर पा रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, मुझे भी एग्ज़ाम्स देने हैं, मुझे भी पढ़ना है, तो उन लोग को नहीं देने दिया जाता था। तो ऐसे ही ये तो हुई कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है। उसके बाद ऐसी एक जो मैंने स्टोरी लिखी है
वो ऐसे तो ऐसे मैंने इमेजिन करके लिखी है, पर ऐसा होता है। मैं मेरी स्टोरी, मेरी बुक की स्टोरी बताती हूँ। उसमें अनमोल नाम का एक कैरेक्टर है, वो जब पैदा होता है तो वो उसका पूरा जो बॉडी है वो लड़का वो पैदा होता है, पर वो अंदर से खुद को एक लड़की फील करता है। ये उसको बाद में पता चलता है जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो लड़कों को भी पहना ही देते हैं, उसकी बहन के कपड़े पहना देते थे उसे, तो उसको ठीक है। पर वो जब बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, मुझे तो लड़कियों के कपड़े ही पहनने, नहीं मुझे तो मेकअप ही करना है, नहीं मुझे तो गर्ल्स के साथ खेलना है। तो ये सब चीज़ें उसे पता चलती है। तो वो जब अपने घर पे बताता है तो उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं कि ये क्या पागलपंती है, जैसा कि सबके साथ होता है, जो सब ये ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हम कहते हैं, बहुत सारे नाम है, तो ये सबके साथ सबकी लाइफ में होता है। ये चीज़ें हम फेस नहीं करते हैं। इवन हम लोग भी ऐसे कहते, हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा छक्का, मजाक उड़ाते हैं ना, छक्का गे, कोई भी हमारे क्लास में होगा मीठा बोलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, खासकर बॉयज़ बोलते हैं। जो कोई लड़का अगर लड़की जैसी हरकतें कर रहा है तो उसे बोलेंगे ये तो मीठा है, अरे तुम बड़े मर्द हो। तो यही सब, तो ऐसा उसके साथ भी होता। तो उस मैं शॉर्ट में बताऊंगी, उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो उसकी बहन और उसकी मम्मी ने उसे, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनकी हवेली, इनकी हवेलियाँ होती है एक्चुअली अपने यहाँ पे इंडिया में, इनकी हवेलियाँ। अच्छा एक चीज़ और, टोंक में हमारे जैसे मैंने बात की लोगों से तो लोग बोलते अरे इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत कमाते हैं, इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो खूब हमसे भी ज़्यादा पैसा है इनके पास। अच्छा ठीक है, टोंक वालों के पास पैसा है, क्यों, क्योंकि टोंक छोटा है और ये लोग उस हिसाब से कम है, पर सॉरी फॉर यू, क्या बोल रही थी, हाँ मुंबई जैसे शहर में जो बहुत सारे, जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोग हर ट्रैफिक सिग्नल के मतलब लाइट पे ये लोग मिलेंगे आपको, और वो अमीर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं। कनू में, हाँ तो मैं क्या बोल रही, फोन आ रहा है बार बार। हाँ तो वो लोग बहुत गरीब है, उनको काम पे भी नहीं रखा जाता है वहाँ पर, जैसे हम लोग घर में काम कर लेते हैं ना, कमा लेते हैं, उनको वहाँ वैसे भी नहीं रखा। तो मेरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द है, उसमें यही होता है। वो अनमोल जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत 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 स्ट्रगल करता है। उसका शौक होता है, उसको फैशन डिज़ाइनिंग करनी होती है, फिर उसको शादी भी किसी लड़के से ही करनी होती है, उसको लड़के से ही करनी होगी शादी, तो उसको शादी भी किसी लड़के से ही करनी होती है, उसको फैशन डिज़ाइनर फैशन स्टाइलिस्ट उसको बनना होता है, तो वो पूरा स्ट्रगल है उसका, और वो कामयाब होता है। तो मेरी स्टोरी एक तरह से हाँ किसी के पैशन के ऊपर भी घूमती है, और हाँ मेन तो फोकस उसी पे ही है। हम सभी को पता है और हम सब मानते भी हैं कि हाँ सोसाइटी में इन लोगों को जगह नहीं दी जाती है। हाँ चाहे कितने ही वो बन गए हों कि हाँ ठीक है तुम, सरकार ने भी कर दिया हो अप्रूव, पर नहीं, हमें भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम नहीं करते हैं एक्सेप्ट, हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन लोगे, पर फिर वही सब कुछ वही है, कुछ नहीं होएगा, वो लोग सामने आएंगे और आप वही, इवन सब छोटे से शुरुआत करो ना, आप लोग किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, ठीक है वो होगा, वो गे हो सकता है, पर आप उसको ऐसे कहोगे ये मीठा है मीठा है, आपको क्या पता वो डिप्रेशन में चला जाए, आपको क्या पता, कुछ नहीं पता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस, हम आज तक बिलीव नहीं होता है कि वो ऐसे सुसाइड कर सकता था, या डिप्रेशन में वो था, लगता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं लगता था। आवाज़ आ रही है ना, और मैं कनेक्टेड तो हूँ ना, आवाज आ रही है।
हाँ मुझे, मैं दिख रही हूँ लाइव में चलती हुई. ओके तो यही सब है इसी चीज़ पे मैंने. हाँ एक चीज़ और, जब मैंने बुक लिखी मेरा कोई इंटेंशन था नहीं कि मुझे बुक लिखना है, मैं बस लिखे जा रही थी. मैं किसी का दर्द लिख रही थी और कुछ नहीं, कि किसी का दर्द मैं पूरा पोर्ट्रे कर रही थी कागज़ पे लिख लिख के. वो पता नहीं कब उसने बुक का रूप ले लिया, मुझे नहीं पता चला. उस एक महीने में मैं रात दिन लिखा करती थी. क्यों? क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में थी. हाँ इस मैं मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो हाँ सुसाइड कर लेते हैं, क्यों उनके पास उनको समझ नहीं आता है क्या करें उनका, मतलब डिप्रेशन तो ऐसी चीज़ है कुछ समझ ही नहीं आता है मतलब. तो वो चीज़ मैंने ओवरकम करने के लिए लिखा था बस, और बहुत अच्छा हुआ मैंने लिखा. एक महीना मैंने लगातार मैं लिखती रही और वो बुक बन गई. फिर मुझे किसी ने कहा कि तूने जब लिख ही दिया है तो तू इसको पब्लिश भी करवा दे, तेरी तो एक तरह से बुक बन गई है. तो वो मुझे कुछ नहीं आता था कि पब्लिश कैसे करवाना है, और हम लोग नए हैं तो बुक मतलब मैं मुझे कुछ नहीं आता था ना ही हमारे घर में कोई है ऐसा जो हाँ लिखता हो या कुछ उसको कुछ पता हो. मैंने फ़ोन करके सबसे पूछा, सबने बोला कि नहीं हमें नहीं पता है, या किसी को पता हो तो किसी ने बताया नहीं. तो मैंने खुद ने ट्राई किया, मैं फ़ोन करती रही, मैंने गूगल कर करके मैंने बहुत उन लोग का क्वेश्चन होता था कि हाँ आपकी एज क्या है. मैं बोलती थी मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो वो मना कर देते थे मुझे कि नहीं सॉरी ऐसे करके. तो ऐसी किस्मत से एक मैंने फ़ोन किया, ऐसी मैंने आज छोड़ दी थी कि नहीं छोड़ो, लिख दिया काफ़ी है, ख़त्म हुआ, मुझे क्या लेना देना है, ठीक है मैंने लिख दिया. कौन क्या मतलब मैंने उसको हल्के में लिया. फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मली लास्ट में सोचा लास्ट कॉल है मैं करूँगी, ट्राई करूँगी, नहीं हुआ तो ख़त्म. तो मैंने नोशन प्रेस फ़ोन किया, कंपनी है चेन्नई, तो वहाँ पर सर थे, उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला कि टॉपिक क्या है. तो उन्होंने एज बाद में पूछी, मुझसे मेरा टॉपिक पूछा, तो मैंने उन्हें बताया ट्रांसजेंडर स्टोरी है, मैंने लिखी सर आप पढ़ लीजिए. तो उन्होंने मुझसे फिर मेरी एज पूछी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या पब्लिश करवाना है, उन्होंने बहुत हेल्प की और हाँ मेरी बुक पब्लिश हो गई. और और तो मैं क्या बोलूँ, टाइम भी हो गया मेरा, बस वही है. आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. अगर हाँ एक बात और, कि अगर आप डिप्रेशन हर कोई फेस करता है, चार लोग इस दुनिया में सॉरी इंडिया की बात करते हैं, चार लोगों में से एक जना डिप्रेस्ड रहता है, चार में से एक जना रहता है, वो लाइफ के चाहे कोई भी एज हो वो रहता है, और ख़ासकर यंगस्टर्स में ज़्यादा है. तो जो भी इस चीज़ से गुजर रहा है वो मतलब खुद को बिजी रखो, खुद ऐसा पता है ये चीज़ चली जाती है. आज देखो कितनी खुश हूँ मैं. मतलब मेहनत करो, मतलब हाँ ठीक है टाइम लगेगा, और कोई नहीं आता है. कब तक आएंगे लोग बाग? मेरे पास भी आते थे, मेरे खुद के दोस्त बहुत आते थे, पर मेरी मम्मी पर कब तक आएंगे? सब परेशान हो जाते हैं. हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद को इंसान बनाएं. और तो मैं ज्ञान दे रही हूँ पर ये सच है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. छोटी हूँ पर हाँ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया ये. इसलिए आपके बच्चे, आपके बहन भाई, पता नहीं चलता कोई डिप्रेशन में है, पता नहीं चलता क्यों, वो दुनिया के सामने बहुत खुश रहता है. और जैसे ही वो खुद के घर में खुद के कमरे में आता है तो फिर वो सब कुछ वही, और उसी बीच में कुछ गलत हो जाता है.
अपना ध्यान रखें, कोई परेशानी हो कुछ भी हो सब ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। हम मर जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, मैंने भी ट्राई किया है सच बोलूँ तो। अच्छा हुआ मैं बच रही। ये सब गलत है, हम सोचते हैं हम मर जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शांति आपको यही मिलेगी इसी दुनिया में, कुछ करिए कुछ अच्छा करिए। अच्छा ठीक है, डिप्रेशन में आए हो, खुद परेशान हो इसलिए डिप्रेशन में आए हो, है ना? छोड़ो फिर, खुद को ख़त्म ही कर लो ना, फिर खुद को ऐसे यूज़ में लो कि सामने वाला है तुम्हारे आसपास वाले खुश रहे, ये तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है खुद को भूल जाओ, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ है ना, दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए कुछ कुछ स्टार्ट करो, कुछ कुछ भी करो वही। और इस बच्ची साक्षी ने तो कमाल ही कर दिया, छोटी उम्र में बड़ा काम, बहुत कम लोग करते हैं। गो एट साक्षी, नमस्ते अंकल, मेरे सबसे फेवरेट अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। अरे बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक मिनट, क्या बुक को आगे और सेकंड पार्ट लाने के बारे में सोचा है? हाँ, अगर अगर मुझे लगा कि इससे कुछ कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर कुछ और जिससे फर्क पड़े बहुत ज़्यादा वो लिखा जाएगा। अभी तक सोचा तो नहीं है, पर हाँ वैसे मैं लिख रही हूँ अभी, कुछ और लिख रही हूँ, पर हाँ अगर इसमें मेरी बुक पढ़ के भी किसी को कोई मतलब सवाल रहता है या फिर ऐसे रहता है कि नहीं फर्क ही नहीं पड़ा है, तो मैं ज़रूर ज़रूर लिखूंगी। और मुझे पता है मुझे क्या लिखना है अब, अगर मैं दूसरी बुक लिखती हूँ इस बारे में तो। ट्रांसजेंडर का दर्द कब और कहाँ से महसूस हुआ और कब लगा कि कुछ लिखना है? अरे वाह, ये तो मैं, हाँ मैं जब ये सब हुआ तो मैं उनसे मिलने चली गई। मैंने पहले मेरी फ्रेंड से बात की, मैंने बोला कि मुझे उनके पास जाना है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने बोला तू पागल है क्या, वो हमें पकड़ के वहीं पर रख लेंगे, नहीं ऐसे नहीं जाना है, वो लोग बहुत भयंकर होते हैं, वो लोग किडनैप करते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगी। तो मैं वहाँ सिटी में, यहाँ पर जयपुर सिटी सिटी साइड इनकी हवेली है, तो मैं चली गई थी। और विश्वास नहीं करेंगे आप लोग भी मेरा इतना अच्छा स्वागत नहीं करेंगे जितना उन्होंने मेरा स्वागत किया। मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई डर की कुछ बात ही नहीं थी कि उनसे डरना है, उन्होंने बहुत प्यार दिया। उन्होंने पहले वो डर रहे थे एक्चुअली, उनसे मैंने उनसे जो क्वेश्चंस पूछे तो वो डर रहे थे, उन्होंने बोला तुम क्या लिख रही हो हमारे बारे में। तो मैंने उनको बहुत, एक बार सोचिए आप, मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा, पूछ समझ मतलब उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें पूछी मैंने उनसे, तो मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा। वो लोग इतने इनसिक्योर है, वो लोग नहीं बता रहे थे, वो लोग बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके साथ क्या, वो लोग नहीं हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, वो लोग ऐसे कर रहे थे, नहीं हम बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है हमारी लाइफ में ऐसा कुछ। तो मैंने उनको सब कुछ समझाया, बहुत कोशिश की मैंने उनको समझाने की, धीरे 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 बता दिया उन्होंने विश्वास करके। फिर बाद में मैं टोंक आई, तब टोंक आने के बाद मैं अपनी मम्मी को भी मैंने बोला मुझे जाना है, यहाँ पर भी मुझे मिलना था मतलब टोंक में भी सबसे, तो मम्मी ने पहले मना कर दिया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं जा करके आई हुई हूँ पहले, वो लोग कुछ नहीं, मम्मी गई तो मम्मी हैरान, मम्मी ने बोला कि ऐसा स्वागत मैंने कहीं नहीं देखा, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लिखते समय क्या समस्या आई? समस्या मेरी सिर्फ एक थी, समस्या यही थी डिप्रेशन। मैं आज बता, मैंने उस वक्त एमएसजी में बताया नहीं था, पर मैं बताया था, पर मैंने ज़्यादा खुल के नहीं बताया था। हाँ मैं उस वक्त मैं डिप्रेशन में थी, समस्या एक ही थी, यही मेरे दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती रहती थी, तो मैं अपना दिमाग यहीं पे लेकर आती थी कि नहीं मुझे खुद को नहीं देखना,
अभी मुझे उनको देखना है, मैं उनके बारे में लिखती हूँ, बस वही उन्हीं का दर्द मैं लिखती गई तो मैं खुद का भूलती जा रही थी, भूलती जा रही थी, भूलती जा रही थी, यही समस्या थी सब। हाँ एक चीज़ और थी, मैं कमरे में बंद रहती थी तो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने, वो लोग कई बार रोए भी हैं। एक मिनट, तो वो लोग कई बार रोए भी हैं, उन्होंने बोला भी है कि तू ये क्या कर रही है, और अरे यार उन्होंने बोला भी कि तू ये क्या कर रही है और इससे क्या होगा, ये सब क्या है। उनको नहीं पता था मैं लिख रही हूँ, किसी को नहीं पता था मैं लिख रही हूँ, मैं बस लिखती जाती थी लिखती जाती थी। तो फाइनली जब मैंने बुक लिख दी तो सबसे ज्यादा पापा खुश हुए, पापा के पास सब लोग आ रहे थे कि अरे वाह आपकी बेटी ने बुक लिखी है, बहुत अच्छी बात है, इतनी सी उम्र में ये सब किया। पापा बहुत खुश हुए, बहुत थैंक यू असलम चाचू, अब तक विश्वास तो आ ही गया होगा क्या किसी टॉपिक पर सोच रहे हो। हाँ मैंने लिखना, मैंने दूसरी बुक लिखनी भी शुरू कर दी है, चल रहा है। ट्रांसजेंडर का सहयोग कैसे रहा, बताया ना मैंने अभी, बहुत बहुत पहले वो थोड़ा इनसिक्योर थे, वो थोड़ा डर रहे थे बताने में, उनको थोड़ा कन्विंस किया, उनको थोड़ा समझाया प्यार से कि नहीं मैं आप लोगों का दर्द ही लिख रही हूँ, और ऐसा कुछ नेगेटिव, लोग उनके बारे में नेगेटिव ही लिखते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। उन्होंने शुरू से यही सोचा है कि ये दुनिया, हम जबकि वो हमारे, हमें कितनी दुआएं देते हैं, वो कितनी दुआएं देते हैं हमें, वो जब भी वो हमसे मिलते हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते हैं। कभी उन्होंने बुरा बोला है? नहीं बोला कभी, और बोला होगा ना तो जिसने परेशान किया ना, तो फिर नहीं वो उसे भी बुरा नहीं बोलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं वो लोग। अपने किन्नर पर लिखी बुक बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी सोच के साथ, थैंक यू। पहली बार किसी को लाइव सुन रहा हूँ अंकल, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, मुझे पता भी नहीं चल रहा है मुझे क्या बोलना है, बस मैं बोलते जा रही हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, हमें जैसी भी दुनिया मिलती है उसे स्वीकार करके खुद से शुरुआत करते हुए उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। वैसे एक चीज़ और है, ये लोग इन लोगों ने ऐसे सोच रखा है कि ठीक है अब जैसा है उसमें ढल जाना है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर था अनमोल, वो थोड़ा ऐसे था कि नहीं, वो थोड़ा जिद्दी था, और बुक भी मैंने उस कैरेक्टर को लेके इसीलिए लिखी है कि कि आप लोग खुद में विश्वास रखो, जिद रखो कि नहीं मुझे ये करना है, करके रहोगे तो मैं सुनकर अब कोई डिप्रेशन में नहीं आएगा। डिप्रेशन हाँ बहुत भयंकर चीज़ है, पर इससे ख़त्म नहीं हो जाता, इससे इंसान को खुद को ख़त्म नहीं करना है। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, हाँ मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, मेरी मम्मी डर जाती थी, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। हम लोग को बाहरी दुनिया में बस ये दिखता है कि हाँ ये बहुत खुश है, मैं अभी बहुत खुश हूँ, पर मैं जब पहले रहती थी सबके सामने खुश, और पता नहीं लोग तो खुश रह भी लेते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि मुझसे तो खुश भी नहीं रहा जाता था, इसलिए मैंने खुद को अंदर कमरे में बंद कर लिया था कि मैं फेस ही नहीं करना चाहती थी दुनिया को, मैं नहीं चाहती थी कोई मुझसे कुछ कुछ बोले, कुछ मुझसे कहे, कुछ मुझे डांटे, मुझसे हंस के बात करे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया है बहुत उस वक्त। बुक का लिंक साझा करिएगा कमेंट में, बिल्कुल। ये मैंने कोई कमाने के लिए या कुछ ऐसे नहीं लिखी, मुझे नहीं पता कि क्या, मुझे नहीं पता मेरी बुक से मुझे कितने रुपए मिलते हैं, सीरियसली मैंने बस लिख दिया, मुझे कमाना नहीं था, बस मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे लिखना था बस, और कुछ नहीं। थैंक यू।
ऐसे मुझे आधे घंटे का ही टाइम दिया गया था, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मुझे आप अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए जाने की। शायद मेरी मम्मी भी ये लाइव देख रही होंगी, शायद। सबको नमस्ते, और अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू। और आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, मैं ऑथर होने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, ऑथर तो मैं पता नहीं बन गई। मुझे गाने का भी शौक़ है, और मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ। आपका अगर अंकल थैंक यू, अपनी बुक तो दिखाओ। ओके, मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। So this is my book. एक मिनट में चलो। यही बुक मैंने लिखी है, आप लोग खरीद सकते हैं, आप लोग मुझसे लेकर के पढ़ सकते हैं। बस आप पढ़िएगा, पढ़िएगा ज़रूर। हो सकता है कि मैं, मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों की जो सोच है उसे इन लोगों के प्रति चेंज करने में अगर मैं कामयाब रहती हूँ, तो मतलब यही मेरा लक्ष्य था और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भास्कर, भास्कर मेरा छोटा भाई है। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब अपना ध्यान रखिए, डिप्रेशन चला जाता है, चला जाता है। और जब जाता है, पता है आप लोग बोलोगे बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो आप किसी भी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हो, आप लोग बोलोगे जो हुआ अच्छा हुआ। सच्ची जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बाय। ये तो इंग्लिश भाषा में है शायद। हाँ, ये इंग्लिश भाषा में है, मैंने पहले हिंदी में लिखा था, हिंदी में मेरे पास लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को, जिसको भी, कहाँ से ख़रीद सकते हैं आप, अमेज़ोन, इन्फीबीम, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, और ख़ुद की इसकी वेबसाइट जो है नोशन प्रेस, इससे ख़रीद सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक साझा कर दूँगी उस पर कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं जाती हूँ। सब अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं हो। बाय।